हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्ते दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? आप लोग भी अच्छे से होंगे। और आज का प्लानिंग है, आज साइट पे भी जाना है और यहाँ भी हमें भगवान जी का पेंटिंग करना है। तो पेंटिंग कैसे होता है वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। चीप रेट में आप लोग घर पे भी पेंटिंग कर सकते हैं। ये सब सारा पेंटिंग करके रखा हुआ है और अलग अलग कलर में पेंटिंग भी होंगे। कैसे पेंट होता है ये भी आपको दिखाएंगे। और आप लोग खास करके सीमेंट का गमला हो या मिट्टी का गमला हो, देखते होंगे बारिश के मौसम में वो उसमें काई लग जाता है, गंदा हो जाता है। तो कम पैसे में आप 1-1.5 रुपये के अंदर आप उसको किस टाइप से पेंटिंग नया कर सकते हैं वो चीज़ें भी आपको बताएंगे। तो बने रहें ब्लॉग में दोस्तों। अब साइड के लिए माल थोड़ा वहाँ कम पड़ गया है, लेकिन ये 8 फीट लंबा आता है, तो जो बाइक से नहीं जा पाएगा ये इसको तो कटिंग करके 2 पार्ट कर दिए। अब इसको हम लेकर साइड के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि माल कुछ कम पड़ रहा है। 25-30 फीट इससे पूरा हो जाएगा। मौसम ख़राब हो गया था दोस्तों और भीग गए हैं आज, ये पूरा भीग गया है। तो माल अभी हमको पहुँचाना था, जो हम अभी लेके यहाँ साइट पे आ गए। और अब चलते हैं, देखते हैं कि साइट पे क्या काम हुआ है और कितना काम हुआ है। लेकिन खुल गया है मौसम, कब क्या हो जाता है मालूम ही नहीं पड़ता है। अभी 2 मिनट में धूप, 2 मिनट में मौसम ख़राब। तो चलते हैं अब अंदर। देखिए ये बारिश, अभी जस्ट 10-15 मिनट पहले तेज़ बारिश हो रहा था, अभी कम हुआ। और ये देखिए भाई साहब आ रहे हैं, जो माल लेके जाएंगे। अभी हम अंदर इन कर रहे हैं घर में, क्या काम हुआ देखते हैं। अभी देखिए ये फिटिंग हो गया, वार्निश लग गया और ये रिंग भी लग गया, ये इसमें कंप्लीट हो गया। और यहाँ भी आपका कंप्लीट हो गया है। चलिए अभी सब काम के लिए तैयार हो रहे हैं। अभी अब नीचे तो कंप्लीट हो गया, अब ऊपर के लिए हम लोग निकलेंगे सेकंड फ्लोर पे। और इसमें देखिए पहले से ही आर्च बना हुआ है सीमेंट से ऐसे, हालांकि ये मोल्डिंग बीट से भी आर्च बन जाता है, लेकिन सीमेंट से ही बनाया गया है। अभी के दौर में सीमेंट से बनाना भी कोई खास ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि जो POP से बनता है उसमें थोड़ा प्रिंट भी आता है बढ़िया और अच्छा डिज़ाइन भी आता है, तब पैसा खर्च नहीं होता है। लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं, तो 10-20 हज़ार रुपये खर्च करना चाहिए ताकि घर अच्छा से डेकोरेट हो। चलिए अब चलेंगे दूसरे साइड पे दोस्तों। जैसे यहाँ पे आज काम ख़त्म हो रहा है, लेकिन देखिए और कुछ रूम वूम अगर बढ़ेगा तो हो सकता है, अभी 2-3 दिन और चल सकता है। लेकिन अगर हमें जितना भी बोला गया है वो काम आज ख़त्म हो जाएगा, इसके अलावा 7 रूम और डिज़ाइन करना बाकी है। तो अगर बोलेंगे तो आगे बढ़ेगा काम, अगर नहीं, अगर बोलते कि नहीं यहीं पे समाप्त, तो यहीं पे एंड हो जाएगा। एक रूम यहाँ पे हो गया, ये अभी बाकी है, अभी हमें नहीं बोला गया है यहाँ के लिए, सिर्फ डाइनिंग हॉल के लिए बोला गया है। ये डाइनिंग हॉल है तो यहीं के लिए बोला गया है। अभी अगर बोलेंगे तो एक रूम तो वहाँ पर है और एक रूम फिर इधर हो गया और 2 रूम दूसरा यूनिट में है ऊपर में ही, जो उधर है। ये भी एक डाइनिंग हॉल हो गया यहाँ पे, और एक यहाँ पे भी रूम है, इधर इसका किचन है और एक इधर भी रूम है, और यहाँ से ये बाहर का नज़ारा है। मस्त अभी धूप हो गया, अभी ऐसा लग रहा था कि दिन भर बारिश होगा, लेकिन ऐसा हुआ दोस्तों। अब घर के लिए, अब धूप निकल गया, मौसम भी खुल गया है, अब हम घर के लिए निकल रहे हैं। इसी बिल्डिंग में काम हो रहा है,
ऊपर में। ये देखिए रोड बहुत ही ख़राब हो गया है बारिश होकर, गाड़ी स्लिप कर रहा है, इसलिए आराम आराम से गाड़ी निकालना पड़ रहा है। अब अभी मौसम खुल गया है, ये देखिए इस टाइप का मौसम है। इधर से हम अभी आए दोस्तों, ये पूरा रोड ही ख़राब है और आगे जो बिल्डिंग दिख रहा है उसमें काम हो रहा है और गाड़ी बहुत मुश्किल से भी निकाले हैं, गाड़ी भी बहुत कीचड़ लग गया और स्लिप भी कर रहा है। तो अब निकलेंगे यहाँ से। अब देखिए यहाँ से रोड ठीक हो गया, अभी भी कच्चा रोड है लेकिन थोड़ा आगे से पक्का रोड हो गया। और ये देखिए पहाड़ है, पहाड़ के नीचे में ही हो रहा है काम हो रहा है, जो वो कोने पर बिल्डिंग दिख रहा है वो हो रहा है। और अब हम यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहे हैं और निकलेंगे। अब हम ये पहाड़ के पास आ गए बिल्कुल, अब यहीं से रास्ता निकलेंगे। ये सामने पहाड़ ये रोड है, के नाम से हैं। और हम अभी इधर से आए हैं और चले दोस्तों। अब देखिए इधर पहाड़ है, इधर जंगल है, और इसके बीच से रास्ता है, निकलना है आधा किलोमीटर से बाद। यहाँ से आधा किलोमीटर बाद मेन रोड है यहाँ से। हम चलते हैं, निकलते हैं। अब इधर देखिए ये बैठा हुआ है कुत्ता भाई, पिल्ला है, मस्त सो रहा था, अभी जाग गया है। ये यहाँ बॉडीगार्ड है सब। और मेरे पास देखिए, देखिए दोस्तों ये पुराने गमले सब हो गए हैं, ये सब गमले सारे पुराने हो गए हैं, तो इनको पेंट करेंगे तभी ये बिक पाएगा, नया करना होगा। तो वो फिर जैसे अभी आपको हम आप लोगों को दिखाया उस टाइप से ही हमें पेंट करना होता है। और ये मिट्टी का खपड़ा है, ये भी पूरा गंदा हो गया है, ये सब वैसे ही पेंट होता है जैसे आप लोगों को हमने दिखाया, क्योंकि जब पेंट हो जाता है तो सब न्यू हो जाता है। ये बहुत सारे गमले हैं, अभी तो खैर ठीक है, ये फ्रेश है, लेकिन जो ज़्यादा लाल पीला काला हो जाता है, ख़राब हो जाता है, उनको पेंट करके नया किया जा सकता है। जैसे ये गमला है, पेंट इस पर गिर गया है, तो इन लोगों को नया करना है। और आगे आप लोगों को बताएंगे दोस्तों कि ये सब जो मूर्तियां हैं कैसे पेंट होता है। आप घर में भी सिंपल, जैसे आपने कोई स्टैचू वगैरह लगा रखा है या मूर्तियां लगा रखा है पुराना हो गए, उनको नया कैसे करना है, सिंपल पेंट में आप घर में भी कर सकते हैं। जो मार्केट में करवाते हैं ले जाकर, उसमें भी 2-3 दिन 4 दिन टाइम लेता है, पैसे भी लेता होगा, आप चीप रेट में घर में भी पेंट कर सकते हैं और काफ़ी बढ़िया पेंट कर सकते हैं। तो आप लोगों को हम बताएंगे आगे वीडियो में।